हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड आज की इस वीडियो में आ, हम डिस्कस करेंगे पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी से करें आज की इस वीडियो में हम आ, बेसिक से लेके आ, सेंटेंस स्ट्रक्चर तक हर एक चीज जो कि सेंटेंस बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है टेंस के लिए वो डिस्कस करेंगे तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट बात करें पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तो इसमें वर्ब हमें यह बताता है कि कोई काम पास्ट में कंटिन्यू था और पास्ट के ही किसी टाइम में वो कंप्लीट हुआ है तो ऐसे टेंस को हम कंसिडर करेंगे पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में उसके बाद बात करें हेल्पिंग वर्ब की तो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस का हैडबींग हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेज इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज बनाने के लिए यूज होगा हेडबींग आ, और वर्ड की जो फॉर्म यूज़ होगी वो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी उसी के साथ आई एन जी का भी यूज़ होगा जैसे कि टाइम की बात की गई तो इसमें सेंस और फार का यूज़ भी होगा बात करें अगर सेंस और फार की तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्क्राइब किया है डिस्कस किया है कि कैसे यूज़ किया जाता है सेंस और फार का यहाँ पे मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ सेंस है जो वो यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ऑन द अदर हैंड हमारे पास फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम क्या है बात करें पॉइंट ऑफ टाइम की तो पॉइंट ऑफ टाइम मींस कोई स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ फॉर एग्जाम्पल फोर ओ क्लाक सिक्स ओ क्लॉक मॉर्निंग इवनिंग नाइट ईयर सी टी सी कोई स्पेसिफिक टाइम मैंशन हो तो उससे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ टाइम ऑन द अदर हैंड पीरियड ऑफ टाइम मींस ड्यूरेशन टाइम की ड्यूरेशन बताई हुई है फॉर एग्जाम्पल कोई काम कितनी ड्यूरेशन तक कंटिन्यू रहा है तो इस तरीके के सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे फॉर का फॉर एग्जाम्पल टू ईयर्स वन आवर थ्री वीक्स सिक्स डेज यहाँ पे जो ईयर्स लिखा हुआ है यहाँ पे कोई भी नंबर आएगा थ्री ईयर्स या ऐसे कुछ तो ड्यूरेशन जो शो कर रहा हो वहाँ पे हमारे पास यूज़ होगा फॉर का फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह से गेम खेल रहा था

सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है तो हमारे पास इस टेंस में हम चार तरह के सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे असर्टिव नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव पहले बात करते हैं हम असर्टिव सेंटेंसेस की तो इसका कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास पहले आता है सब्जेक्ट देन हैड बीन देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी के साथ ऑब्जेक्ट प्लस और फॉर्म अब ये ऑब्जेक्ट है ये लास्ट में या फर्स्ट में आ जाता है कहीं कहीं पे लास्ट में फॉर्मूला में लिखा हुआ होता है कहीं बीच में तो इसका कोई भी इशू नहीं है और सेकंड सेंटेंस हमारे पास आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस इसका सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस का यूज बेस्ड ऑन द टाइम थर्ड सेंटेंसेज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं हमारे पास जिसका फॉर्मूला हेड पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सेंस और फॉर एंड देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क उसके बाद लास्ट सेंटेंस आता है हमारे पास इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस इसमें हमारे पास हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और देन सेंस एंड फार एंड देन क्वेश्चन मार्क यूज कर लेंगे अब हम डिस्कस करते हैं कुछ सेंटेंसेस जिससे आपको ये फार्मूलाज भी पक्के हो जाएंगे एंड यू कैन प्रैक्टिस मोर मैं कमेंट बॉक्स में भी कुछ सेंटेंसेस uh, पिन कर दूंगा उसे सॉल्व करके उस, उसका भी आंसर दीजिएगा पहला सेंटेंस है हमारे पास हमारे आसपास सुबह से बारिश हो रही थी अब यहाँ पे आ, हम अगर सेंटेंस की बात करें तो हम चार तरह के सेंटेंसेस पूरे बनाएंगे असर्टिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव पहले बात करते हैं सेंटेंसेस की तो हमारे पास असर्टिव सेंटेंसेस का फार्मूला था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट एंड देन आई एन जी ओ सॉरी तो हमारे पास जो Uh, पहला सेंटेंस बनेगा वो हमारे आसपास है हमारे आसपास बारिश हो रही बारिश के लिए हमने प्रेजेंट प्रेजेंट uh, सिंपल में भी डिस्कस किया था कि इट का यूज़ किया जाता है तो इट हैड बीन uh, बारिश होने को रेन कहते हैं और उसके साथ आईएनजी तो रेनिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा सेंटेंस अगर हम नेगेटिव की बात करें तो इट हैड नॉट बीन हमारे जो तो फार्मूला था सब्जेक्ट हैड नॉट प्लस बीन प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी देन एंड एन ऑब्जेक्ट याब्जेक्ट एन फॉर तो हमारे पास जो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा इट हैड नॉट बीन रेनिंग इसी के साथ इंटरोगेटिव में हैड पहले आ जाएगा बाकी असर्टिव वाला सेम सेंटेंस रहेगा एंड देन क्वेश्चन मार्क हो जाएगी हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव में हमारे पास हैड पहले आ जाएगा और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा इट नॉट रेनिंग सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क सो पहला सेंटेंस आपको समझ आया है सेकंड सेंटेंस हमारे वो दो साल से हमें पढ़ा रहा था अच्छा वो दो साल से हमें अब दो साल हमारे पास ड्यूरेशन हो गई तो यहाँ पे लगेगा फॉर का यूज ही हैड बिन टीचिंग अस फॉर टूर्स टू ईयर्स हमारे पास दो साल ड्यूरेशन हो गए इसीलिए फोर का यूज किया और सेंटेंस स्ट्रक्चर वही सर्टी वाला रहा है के वर्प की के साथ आई सिंस तो ये हमारे पास हो गया सेकेंड सेंटेंस का वही है और के बीच में नॉट इंसर्ट हो जाएगा तो हमारे पास नेगेटिव बन जाएगा जैसे की बनाए तो हम हैड को पहले आएंगे बाकी सारा टी वाला फार्मूला से हो गया हमारे पास इंटरोगेटिव uh, उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो हमारे पास जो हैड uh, है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा एंड देगेटिव वाला पैटर्न फॉलो होगा तो सेंटेंस हो जाएगा हेड ही नॉट बीन टीचिंग एस फॉर टू ईर्स थर्ड सेंटेंस है हमारे पास उमर काफ़ी वक्त से लोगों की मदद कर रहा है तो उमर हैड बीन हेल्पिंग पीपल फॉर अ लॉन्ग टाइम लॉन्ग टाइम एक आ, मुद्दत है हमारे पास एक पीरियड ऑफ टाइम है तो हमने फॉर का यूज किया है बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर वही है असर्टिव वाला देन बात करें नेगेटिव की तो उमर हैड नॉट बीन हेल्पिंग पीपल फॉर अ लॉन्ग टाइम इंटरोगेटिव में हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और हैड पहले आ जाएगा हैड उमर बीन हेल्पिंग पीपल फॉर अ लॉन्ग टाइम दे इंटरवेटिव नेगेटिव में हमारे पास हैड पहले आएगा एंड देन नेगेटिव वाला नेगेटिव वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो होगा हैड उम आर नॉट बीन हेल्पिंग पीपल फॉर अ लॉन्ग टाइम सो ये थे हमारे पास तीन सेंटेंसेज जिसको मैंने डिस्कस किया होप सो आपको समझ भी आएंगे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू चेक कॉमेंट बॉक्स वहाँ पे मैं कुछ सेंटेंसेज लिस्ट कर दूंगा जिसको आपको सॉल्व करना है एंड देन कॉमेंट में ही रिप्लाई देना है थैंक यू